हाँ भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। पिछली क्लास में अपने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से पढ़ाई हुई? फॉसिल जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे जीवाश्म और पिंडपात्रों के बारे में। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है? आर्टेमोनिया। आर्टेमोनिया इसमें लिखो इसका अध्ययन सुरेश और माहेश्वरी। इसका अध्ययन सुरेश और माहेश्वरी पोस्टर में 19 होता है। सुरेश और माहेश्वरी ने किया था। इसमें तीन से अधिक लघु बीजाणु धानी युक्त है। इसमें तीन से अधिक लघु बीजाणु धानी युक्त शाखाएं पाई जाती थी। ये शाखाएं पुनः शाखित होती थी जिनके अंतिम सिरों पर लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता। लघु बीजाणु धानियां क्या है? जिनमें नर पुंगड़ या प्राकोष जिनके नर रहते हैं ना, वो क्या कहलाती है? लघु बीजाणु दानिया। या जिसमें प्राकोषों का निर्माण होता है या प्रागणों का निर्माण होता है। कहां पर लगती थी? शाखाओं के अंतस्थ सिरे के ऊपर। किसने अध्ययन किया? सुरेंद्र व माहेश्वरी। कब? 1970 में। अगला है नेसोवेल्सिया, थर्ड नंबर। नेसोवेल्सिया इसका अध्ययन पंत ने किया था। ये नरकुलन ग्लोसोप्टेरिस, ये दो नंबर का फलन पड़ा ना, ग्लोसोप्टेरिस के पास ही पाए गए थे। ग्लोसोप्टेरिस के पास ही पाए गए थे। तो ग्लोसोप्टेरिस के पास पाए जाएंगे तो अपने को पता है कहां पर लगेगी? ये शाखाओं के अंतस्थ सिर पर लगेगी, सेम ग्लोसोप्टेरिस के साथ। अब हेडे चलाओ मादा फलन। मादा फलन
इन मेल ओके लिखो यह दो प्रकार का होगा, यह दो प्रकार का होगा। पहला पतियों से संलग्न फलन, फर्स्ट टाइम पतियों से संलग्न फलन, पतियों से संलग्न फलन। पत्तियों से संलग्न फलन, इसमें लिखो इस प्रकार के फलन, इस प्रकार के फलन सीधे ही पत्तियों पर लगते थे, इनमें डिप्लियोटेरिडियम एग्जाम्पल के रूप में लिखो, इनमें डिप्लियोटेरिडियम प्रमुख थे, प्रमुख थे, ये सब क्या है मादा फलनों के नाम है, डिप्लियोटेरिडियम ऑटोकेरिया स्कूटम है हर्षोत्तम, और ये कहां पर लगता है मादा फलन सीधे पत्तियों के ऊपर लगते हैं। दूसरा नंबर है रूपांतरित फलन, रूपांतरित फलन दो नंबर है, रूपांतरित फलन लगली, इसमें लिखो इस प्रकार के फलनों का निर्माण, इस प्रकार के फलनों का निर्माण पत्तियों या सहपत्रों से, पत्तियों या सहपत्रों से होता था, एग्जाम्पल है लेडिगेट, कैसे थे पत्तियों की, पत्तियों की जगह खुद का विकास होता था इनका फलनों का, मादा फलनों का। इसमें लिखो चंद्रा तथा सुरेंद्र, वैज्ञानिक नाम है चंद्रा तथा सुरेंद्र 1975, चंद्रा तथा सुरेंद्र कोष्ट में ले लो 1975 के अनुसार सवृत्त फलन सपत्र की अक्ष से,
सहपत्र की अक्ष से, सहपत्र की अक्ष से एक शंकुआकार, एक शंकुआकार, एक शंकु आकार या शंकुआकार बीजाणुधानी, बीजाणुधानी उत्पन्न होती थी। जो सहपत्र के द्वारा पूर्ण रूप से ढकी होती थी, जो सहपत्रों के द्वारा पूर्ण रूप से ढकी होती थी, यह दानी ग्लोसोपेरिस की, ग्लोसोपेरिस की पत्तियों से, ग्लोसोपेरिस की पत्तियों से पर्णवन व्रंथों के द्वारा, पर्णवरंथों के द्वारा संलग्न रहती थी। अगला पॉइंट को, इनके बीज अंडाकार, इनके बीज अंडाकार व छोटे आकार के, छोटे आकार के, जिनकी लंबाई एक मिमी, जिनकी लंबाई एक मिमी तथा व्यास 0.5 मिमी, तथा व्यास 0.5 मिमी होता था। इन बीजों का, इन बीजों का बीजाणु द्वार, इन बीजों का बीजाणु द्वार केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ व्यवस्थित रहता, बीज व्यवस्थित रहता है, बीजों के बीच में, बीजों के बीच का स्थान, बीजों के बीच का स्थान कोशिकीय तंतु, बीजों के बीच का स्थान कोशिकीय तंतुओं के द्वारा, कोशिकीय तंतुओं के द्वारा गिरा रहता था। तथा बीज के ऊपर जो अध्यावरण पाया जाता ना, तथा बीज के ऊपर जो अध्यावरण, जो अध्यावरण पाया जाता था वह बीजाणु द्वार की ओर, वह बीजाणु द्वार की ओर मोटा होता था। बीजाणुकाय, बीजाणुकाय निभाव सिरे पर, बीजाणुकाय निभाव सिरे पर बीज जुड़ा होता था, जुड़ा होता था तथा इसके ऊपरी सिरे पर, तथा इसके ऊपरी सिरे पर परागकोष में, ऊपरी सिरे पर परागकोष में कुछ परागकण, कुछ परागकण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी, इसके अलावा कुछ भी मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद
माता गोविंद के साथ भी पाए जाते थे, जिनमें एकमात्र स्त्रीधानी उपस्थित होती थी, जिनमें एकमात्र स्त्रीधानी उपस्थित होती थी। हम लिखो ऑटो के एरिया, ऑटो के एरिया, इसमें लिखो यह है बीजाणुधारी कुलन, यह है बीजाणुधारी कुलन गंगा मोक्तेरिस की, यह बीजाणुधारी कुलन गंगा मोक्तेरिस, गंगा मोक्तेरिस की परंपरा, संलग्न रहती है। ऑटो के एरिया में मानसल, मानसल व चपटा कैपिटुलम पाया जाता था, चपटा कैपिटुलम पाया जाता था। जिसकी आंतरिक सतह पर बीजांड लगते थे, जिसकी आंतरिक सतह पर बीजांड लगते थे, यह ग्लोसोप्टेरिस की, यह ग्लोसोप्टेरिस इंडिका की पर्ण पर पाया गया है। यह सर्वरंत, सर्वरंत व दो संलग्न सल्प, दो संलग्न सल्क युक्त सम कपाटों के द्वारा बना होता था, जिसके मध्य अनेक थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती थी, जिनके अंदर बीज उपस्थित होते थे। इसमें लिखो अगला है स्पुटम, स्पुटम इसमें लिखो ये भी हिरसुत्तम जैसा ही फलन होता था जो दो कपाटों युक्त, जो
जो दो कपाटों युक्त वह ढाल के समान होता था। और व्रत के द्वारा पत्तियों की मध्य शिरा से जुड़ा रहता है, अब हेडिंग लगाओ रूपांतरित फलन। रूपांतरित फलन में लगा लो पहला दनकानिया। रूपांतरित फलन दनकानिया लिखा रूप लिखे इसमें देखो सुरेंद्र तथा चंद्रा 1971 सुरेंद्र तथा चंद्रा ने ग्लोसोपेरिस के आधारी भाग से संलग्न अनेक लंबे व्रंतों को देखा। ये व्रत पत्तियों की मध्य शिराओं से जुड़े हुए थे। जिनके अंतिम सिरों पर बीज समान आकृतियां उपस्थित थी। इन आकृतियों को एक बीजांडी क्यूप्यूल कहा गया। अब लिख लो पार था फिर से लिखी व्रत के अंतिम सिरे पर बीज की आकृति के स्थान पर डिस्क समान क्यूप्यूल उपस्थित था। जिसके निचली सतह पर चार बीज लगते थे। लिडगेटोनिया दोनों के बारे में लिखेंगे। मुआ तो हो गया ना। इसमें लिखो
अठावन में समझ थॉमस 1958 में अफ्रीका से ग्लोसोपेरिस पर लगे हुए जननांगों का अध्ययन किया। अगला लिखो लास्ट लिखो मुआ लेसी ने फलद पत्ती से जुड़े दो से चार व्रंथ युक्त प्यालिका नुमा संरचनाएं जिन्हें कैंपेन्युलेट को रिपोर्ट किया। देखा इनमें प्रत्येक युग्मों में एक बीज उपस्थित था। होते इतना